वेलकम बैक टू थ्री कोर्स विद पंकज सीजन टू। कुकीज एक ऐसी चीज है जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल ये जो हेल्थ फीवर चल रहा है ना, इसके चलते कुकीज का नाम लो तो सारे डर जाते हैं क्योंकि उसमें कैलोरीज इतनी ज्यादा होती हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी कुकीज विद अ हरियाणवी ट्विस्ट। हरियाणा की स्पेशल अलसी पिन्नी की मैं बनाने जा रही हूँ आज अलसी कुकीज, यानी कि फ्लैक्स सीड कुकीज। अलसी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हरियाणा में बहुत बहुत मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी इंग्रेडिएंट का करूं मैं इस्तेमाल और बना लूं सबकी फेवरेट स्वीट डिश। मैंने लिया है यहाँ पर आटा आधा कप और इसमें डाल रही हूँ मैं एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये है अलसी मेरे पास, इसको मैं हल्का सा भून लूंगी और फिर इसका एक पाउडर बना लूंगी। एंड हियर आई हैव माय अलसी पाउडर। अलसी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स दोनों होते हैं और इसके कार्ब्स भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ को तो इम्प्रूव करते ही हैं और स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं ले रही हूँ आधा कप वाइट बटर, इसमें डालूंगी आधा कप ब्राउन शुगर जिसे कि मैंने पीस लिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब ये मिक्सचर बिल्कुल लाइट और फ्लफी हो जाएगा तो इसमें ऐड करूंगी मैं एक अंडा और इसे भी बीट कर लूंगी जब तक कि ये इमल्सिफाई नहीं हो जाता इसके अंदर। अगर बाई चांस अंडा डालने के बाद ये अंडा फटने लगे या आपका मिक्सचर कर्डर होने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एक चम्मच ये आटा डाल दीजिएगा, दैट विल हेल्प टू गेट इट बैक। अगर आप एग इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो उसकी जगह इसमें एक टेबलस्पून बटर मिल्क ऐड कर दीजिए, वो हमें जितना मॉइस्चर चाहिए वो भी दे देगा, साथ ही साथ जब ये बेकिंग पाउडर के साथ थोड़ा रिएक्ट करेगा तो इसको वही रेज देगा जो एग देता है। और अब इसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट, इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ये आटा डालेंगे और डालेंगे हम ये अलसी का पाउडर, इसे भी मैं इसमें फोल्ड कर लेती हूँ। इसका बटर थोड़ा सेट हो चुका है और अब इसे मैं रोल आउट कर लूंगी। उसके लिए पहले अच्छे से अपने फ्लोर को आप डस्ट कर लीजिए और अब ऊपर से भी इसको डस्ट करते हैं और इसको हल्के हाथ से हम रोल कर लेते हैं। जैसे जैसे आप इसे रोल करें एक बार उठा के इसे टर्न जरूर कर दे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अगर आपका डो बहुत सॉफ्ट लगे और आपको लगे कि आप इसकी कुकीज नहीं बना पाएंगे या उठा नहीं पाएंगे, इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर दीजिए ताकि इसका बटर फिर से एक बार सेट हो जाए। Once this is done, एक कुकी कटर की सहायता से मैं इसमें से कुकीज कट कर लूंगी। और मेरे पास है यहाँ पर एक ट्रे जिसमें मैंने बटर पेपर लगा के रखा हुआ है, इस पे ये मैं कुकीज रखती जाऊंगी। और अब एक प्री हीटेड ओवन में इन कुकीज को मैं बेक कर लूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ये थोड़ी सी फूल भी जाएंगी एंड यू विल सी दे विल डेवलप ब्यूटीफुल क्रैक्स ऑन द टॉप। कुकीज तो बेक हो चुके हैं, दे आर नाइस एंड फर्म, और अब
इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ये काफ़ी क्रिस्प हो जाएंगे। मेरे कुकीज ठंडे भी हो चुके हैं। द सिनेमन स्मेल्स सो गुड। और इसको किसके साथ सर्व किया जाए? आई एम गोइंग टू गिव देम अ शॉट ऑफ वनीला मिल्क टू सर्व देम विद। तो ये हैं मेरे शॉट्स ऑफ वनीला मिल्क। क्योंकि ये फ्लैक्स सीड कुकीज हैं, काफी हेल्दी हैं, एंड द गुड पार्ट इज ये कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है और हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी है। आई एम श्योर आप भी ये कुकीज घर में जरूर ट्राई करना चाहेंगी। अलसी कुकीज बनाने के लिए आधे कप आटे में एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर मिक्स करें। एक चम्मच अलसी को ग्राइंड करें और उसका पाउडर बना लें। फिर आधे कप व्हाइट बटर में आधा कप पिसे हुए ब्राउन शुगर डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्सचर के लाइट और स्मूथ हो जाने पर उसमें एक अंडा डालकर बीट करें। एक चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट मिक्स करें। फिर आटा डालें और आधा कप भुनी हुई अलसी का पाउडर डालकर विस्क करें। डो को आटे से डस्ट किए हुए सरफेस पर रोल आउट करें, फिर इसमें से राउंड शेप्स कट कर लें। शेप्स को बटर पेपर से कवर ट्रे पर रखें। इन रॉ कुकीज को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक प्री हीटेड ओवन में 10 से 12 मिनट के लिए बेक करें। ओवन से निकालने के बाद कुकीज को ठंडा होने दें। फिर वनीला मिल्क के साथ एंजॉय करें ये यम्मी अलसी कुकीज़।